हेलो दोस्तों, मायून टेक गाइड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईमैक्स प्लेयर में डाउनलोड की गई वीडियो या मूवी को अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, आईमैक्स प्लेयर में वीडियो डाउनलोड करने के बाद वो गैलरी या फिर मेमोरी कार्ड में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड्स पर एक मूवी हमने डाउनलोड की है और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है कि हम यहाँ से शेयर कर सकें, सिर्फ यहाँ पे डिलीट का आइकन है। मैं आपको बता दूँ कि ये कहीं ना कहीं अपने मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है, तो इसके लिए हम फाइल मैनेजर ओपन करेंगे। दोस्तों, बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे आईमैक्स प्लेयर का जो फाइल है वो ढूँढना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा है, एक ऑप्शन मिला है आईमैक्स शेयर का, इसमें कुछ नहीं है और यहाँ पे आईमैक्स प्लेयर का कोई भी फोल्डर नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपली बता दूं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एंड्रॉयड फाइल में और उसको ओपन करने के बाद आपको डाटा मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स के जो फाइल हैं बनते हैं, तो यहाँ पे आपको आईमैक्स प्लेयर की फाइल ढूँढनी है जो कि डॉट यहाँ पे कॉम डॉट आईमैक्स टेक डॉट वीडियो प्लेयर डॉट बीटा पर ऐसे शो करेगा। और यहाँ पे आपको आइकन अगर दिखाई दे तो और अच्छा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद फाइल्स पर क्लिक करना है। फाइल्स पर क्लिक करने के बाद डॉट नो मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप ऑनलाइन डाउनलोड पर क्लिक करके और देख सकते हैं, यहाँ पे एक फाइल है जो कि वही फाइल है और यहाँ पे रखी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो इसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने मेमोरी कार्ड में रख सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे आपको इसका एक्सटेंशन नेम दे देना है, जैसे कि यहाँ पे मूवी डॉट MP4 एक्सटेंशन नेम देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूवी शो होने लगी है और यहाँ से आप गैलरी से भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी मूवी गैलरी में आ चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह अपने आईमैक्स प्लेयर की फाइल को एंड्रॉयड फाइल से निकाल के और इसको एक्सटेंशन नेम देके अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।